जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। हमदा इज हियर। हमदा आप मुझे चैट में बता सकती हैं क्या कैन यू हियर मी? ओके वेरी नाइस, थैंक यू हमदा। हमदा एक दो मिनट वेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जी अहमदा, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया है। होपफुली दे आर ज्वाइनिंग सून। जी अस्सलाम वालेकुम। हूरिया, आपने मेरे ख्याल में आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। द यस सर। फर्स्ट हाँ जी, आप थोड़ा सा बता दें आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए अपना। माय सब्जेक्ट्स आर बिजनेस, सोशल एंड उर्दू। अच्छा, ठीक है, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आज कल मेरे वैसे इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल आपने शायद नहीं ली होती। मैंने काफी चीजों पे बात की थी कि सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फर्दर लेके जाएंगे और एक दफा एक और बात को रिपीट कर दूं बिकॉज यू आर न्यू हियर, कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीक दैट वी हैव। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो एडमिशंस हैं दे आर इन प्रोग्रेस और डेफिनेटली अब हमें थोड़ा सा जो है वो एक आध वीक लगेगा चीजों को सेटल डाउन होने में, और फिर हम जो है वो एक एक फुल फ्लैश जो है वो प्रोग्रेस अपनी कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा एंड जो है चीजों को समझ आ जाएंगी आपकी।
आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस पे बात करेंगे, ठीक है, कि सिलेबस इसका क्या है, किस तरीके से है, और हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पे बात करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न जो है हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आज हमारी जो है वो बात होगी, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मुझे चार्ट पे भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन रेज हैंड, ठीक है, और फिर मुझे मैं आपसे जो है वो पूछ लूंगा, ठीक है। लेट्स टॉक ऑन दिस के क्या हमारे पास सिलेबस है, इस पे बात करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू, ठीक है, मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ ताकि आपको सारी चीजें जो है वो आप साथ साथ देख भी सकें। लेट मी ट्राई दिस थिंग। यस, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि डेफिनेटली आपका जो है वो आज आपने देखा होगा काफी लोगों का A2 का जो है जिन्होंने एक्सेल दिया था उनका रिजल्ट आया है, और जो है अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स दे आर नियर एज वेल। तो लोग Hold on a second. जी, आई होप कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। लिस्ट ऑफ ऑन दिस के क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या हमारा फर्दर प्लान होगा, ठीक है। आपने अगर किसी ने मेरी कल क्लास की होगी तो मैंने आपसे थोड़ा बहुत अपना प्लान जो है वो शेयर किया था, और अभी मैं दोबारा से आपसे जो है वो इसी पे बात करता हूँ कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे पास जो है दो पेपर्स हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो हम इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करते हैं, पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन करते हैं, सही है। मैंने एक चीज जो है वो बताई थी, मैंने कहा था कि जब हम पेपर वन और पेपर टू जो है वो करेंगे, ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हम जो है वो दिसंबर तक हम एक पेपर कंप्लीट करें, ठीक है, जो कि हमारे मिड टर्म का पार्ट बन जाएगा, और फिर उसके बाद हम मार्च तक जो है वो पेपर जो सेकंड पेपर होगा वो उसको कवर करें, ठीक है, और डेफिनेटली फिर वो हमारा जो है वो सारा जो है मॉक में कवर होके आ जाएगा। पेपर वन और पेपर टू दोनों चीजें जो है वो हम उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बता दूं कि पेपर वन और पेपर टू जो है वो दोनों आपके पास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू जो डिफरेंट है, दोनों का कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। मैं आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ कि उसका क्या कंटेंट है, किस तरीके से है, ताकि आपके लिए चीजें जो है वो और भी इजी हो जाए और आप आराम से जो है वो इसको पिक कर लें, ठीक है। मैं स्क्रीन आपके साथ एक मिनट के अंदर जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो चैट पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स टॉक ऑन दिस के ये है क्या चीज, ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू।
ओके आई हैव शेयर द स्क्रीन विद यू और यहाँ पे आपके पास सिलेबस जो है वो डिस्प्ले हो रहा है. सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखें कि जो आपका सिलेबस कोड है दैट इज 9699. आपका सिलेबस कोड 9699 है, ठीक है. और डेफिनेटली आपको अपना कोड याद होना चाहिए कि 9699. बहुत सारे बच्चों को जो आखिर में याद नहीं होता. और यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप भी कभी भी कोई चीज सर्च करेंगे तो उसको 9699 के हिसाब से जो है वो सर्च करेंगे. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आफ्टर 5 years जो है वो सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आती हैं, ठीक है. इस दफा भी अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में चेंजेस आई हैं, सिलेबस में चेंजेस जो है वो आई हैं. अभी जो मई जून में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, मई जून में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस दिया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस दिया है. और अभी अक्टूबर नवंबर में उसका सेकेंड अटेम्प्ट आपके पास होगा, ठीक है. सेकेंड अटेम्प्ट होगा अक्टूबर नवंबर में. अच्छा, अब वी कैन टॉक ऑन दिस के इसके पास पेपर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके पास पेपर्स अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इसके अवेलेबल नहीं है. किस तरीके से अवेलेबल नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके पास आपके पास जो है एक स्पेसिमन पेपर है. स्पेसिमन पेपर आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, आपसे स्पेसिमन पेपर जो है वो अभी जो है वो डिस्कस भी करूंगा कि स्पेसिमन पेपर किस तरीके से है. एक हमारे पास जो मई जून का पेपर होगा वो होगा, मई जून का रिजल्ट आ गया है तो उनका पेपर भी जो है वो आ जाएगा, एक ये होगा. और फिर एक अक्टूबर नवंबर का पेपर जो हमारे पास जो बच्चे देंगे वो आपके पास जो है एज इट इज जो है वो आ जाएगा. अच्छा, तो हमारे पास तीन पेपर हो जाएंगे, वन इज द स्पेसिमन पेपर, अदर इज द पेपर ऑफ मई जून, एंड द थर्ड विल बी द पेपर ऑफ अक्टूबर नवंबर. अच्छा, अब तो व्हाई वी गो फॉर पास्ट पेपर्स. देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास जो टॉपिक है वो सेम है, हमारे पास जो कंटेंट है वो सेम है, क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट आ गया है, क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है. और डेफिनेटली जो है कंटेंट हमारे पास जो है वो सिमिलर है, तो दोज क्वेश्चंस कैन बी प्रैक्टिस्ड. और डेफिनेटली मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस के कंपाइल किए हुए हैं तो आपको उनको करने में इश्यू नहीं होगा. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. ये है क्या 2023 तक यही सिलेबस जो है वो चलेगा. एक अटेम्प्ट मार्च में होता है, वो इंडिया में होता है, डेफिनेटली उसके पास पेपर्स भी हमारे पास आ जाएंगे. और पाकिस्तान में आप जून और नवंबर में अटेम्प्ट्स को देते हैं. अच्छा, काफी डिटेल्ड है, आई विल बी सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट टू द ग्रुप, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं. मैं उसके जो की चीजें हैं उस पर जो है वो बात करता हूँ. सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास जो है कंटेंट आ जाता है, यहाँ पे कंटेंट का एक ओवरव्यू है, फिर हम इसके डिटेल में भी थोड़ा सा आगे जाएंगे. आप अगर कंटेंट का ओवरव्यू लेते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है वो नजर आता है, कंटेंट के ओवरव्यू में आपको नजर आता है सोशलाइजेशन, पेपर वन है आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है. सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, आप जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उस पेपर का नाम वहां पे सोशलाइजेशन ही लिखा हुआ आता है. और नॉर्मली हम इसको सोशलाइजेशन के नाम से ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सोशलाइजेशन के नाम से, कि डेफिनेटली वो हमारे थोड़ा सा ईजी हो जाता है. अच्छा, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड ऑफ रिसर्च, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. वन पार्ट आपके पास जो है वो सोशलाइजेशन आइडेंटिटी का है, एंड द अदर पार्ट यू हैव इज द मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च. तो ये आपके पास अदर पार्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है. अब कैसे देखे, जब आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में भी ये डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्म में होगा, बुक में भी ये डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्म में होगा. और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंटेंट भी दोनों का डिफरेंट होगा, सोशलाइजेशन आइडेंटिटी का एक जैसा कंटेंट होगा एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च का आपके पास एक कंटेंट होगा. अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, सोशलाइजेशन आइडेंटिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, लेट्स टॉक ऑन दिस. देखिए, आपने अगर किसी ने ओ लेवल सोशियोलॉजी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें हेल्प होगा और आपके काफी चैप्टर्स जो हैं वो वहां से मैच करते हैं. लेकिन डेफिनेटली ओ लेवल में चीजें इजी हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ए लेवल्स में डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि नेम ऑफ थ्योरिस्ट है, रिसर्चर्स है, यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, अब इससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि अगर आपने ओ लेवल्स में सोशियोलॉजी नहीं लिया, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमने तो ओ लेवल्स में सोशियोलॉजी नहीं लिया तो क्या हमें डिफिकल्टी होगी? तो आई आंसर देम के नहीं, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका लेवल जो है वो हाई किया जाता है। एक चीज आप यहाँ पे समझेगा। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूं, तो मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आपने ओ लेवल्स में साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ा था, आपने ओ लेवल्स में लॉ भी नहीं पढ़ा था, और बहुत सारे बच्चे जो है वो साइंस से जो है वो कॉमर्स में शिफ्ट करे, तो आपने ओ लेवल में बिजनेस भी नहीं पढ़ा था, तो आप वो भी तो पढ़ेंगे ना। तो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। और जैसे कि ओ लेवल में साइकोलॉजी है ही नहीं, तो बच्चा फिर भी ए लेवल्स में आके साइकोलॉजी लेता है, तो इससे कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है। तो पहले आप एक चीज क्लियर कीजिएगा, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस थिंग मेनी टाइम्स। वो जो है बच्चा जो है वो मुझे कहता है आके कि हमने ओ लेवल में सोशियोलॉजी नहीं लिया था, तो अब हम उसका क्या करें, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे समझ आती है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ, वो ये है कि अगर आपने ओ लेवल्स में सोशियोलॉजी लिया भी था तो डेफिनेटली आपको थोड़ी चीजें जो है वो सिमिलर मिलेंगी, आपको ने आपने वो बातें सुनी होंगी, ठीक है, और बस इतना आपको इसमें हेल्प जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब लेट्स टॉक ऑन दिस के सोशलाइजेशन आइडेंटिटी एंड मेथड ऑफ रिसर्च, इसमें क्या डिफरेंस है? देखें, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। अगर आप देखें तो जो पहले जो तीन बुलेट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं सोशलाइजेशन के, और जो नेक्स्ट जो आपके पास थ्री बुलेट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के। तो उसने इसको क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है किस तरीके से। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोशलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे। बेसिकली सोशलाइजेशन में हम पूरा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे कि जैसे आप जब व्हेन यू आर बॉर्न, उसके बाद से आपकी लर्निंग कैसे डेवलप होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फैमिली इन दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ योर पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड सर्कल का क्या इसमें ग्रुप जो है, एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है, वर्क प्लेस का क्या रोल है। तो हम इस चीज को बेसिकली पढ़ेंगे, और हम उस चीज पे भी बात करेंगे कि ह्यूमन की जो एबिलिटीज हैं, ह्यूमन बींग्स की जो एबिलिटीज हैं, इसमें उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कितनी ज्यादा जो है वो मैटर करती हैं, और उसकी जो है वो बायोलॉजिकल एबिलिटीज कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, और एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए, एक साइड जो है वो कहती है कि यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, आप हर चीज जो है वो एनवायरमेंट से सीखते हैं, और एक साइड कहती है कि आप में बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस है, मतलब आप जो है कुदरत ने आपको इस तरह से डिजाइन किया है, यू आर अ परफेक्ट मशीन, आपको सब कुछ जो है वो खुद इंटरप्रेट करना आता है, ठीक है। तो ये एक जो है, और इसको हम बोलते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं आपको तो बता दूं कि इसको हम बोलते हैं नेचर नर्चर डिबेट। ये नेचर नर्चर डिबेट आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, और एक हमारा भी बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेचर आइदर सोशलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट और जो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा व्हेन द बेबी इज बॉर्न, उसको डे फर्स्ट पे जो है वो फीड करना आता है, सही है, तो उसको तो किसी ने सिखाया नहीं है, तो वो उसकी नेचुरल एबिलिटी है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो वो बेड से उतरते हुए डरता है, वो बड़ा केयरफुल होता है कि अगर मैं गिर ना जाऊं, बड़ा डरता भी है, और आहिस्ता आहिस्ता द डे यू सी के वो खुद ब खुद उतरने लग जाता है। तो ह्यूमन बींग में बहुत सारी एबिलिटीज इनबॉर्न है, इनेट है, और डेफिनेटली जो है वो God has created perfectly जो पर हम लोगों उन्होंने डिजाइन किया है। तो दिस इज अ थिंग। अच्छा, और भी इसमें पढ़ेंगे हम के लोगों को जो है यहाँ पे जो सेकंड चीज लिखी हुई है, सोशल कंट्रोल, कन्फर्मिटी एंड रेजिस्टेंस। इसमें हम जो चीज पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मैं एक सिलेबस का आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि वट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। और कल मेरे पास जो एक क्वेश्चन भी आया था कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो दोनों एक जैसे ही सब्जेक्ट हैं क्या? तो मैं आपको यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप एक और चीज नोट करें
तो हमें जो है ये पता चल रहा है कि जो आपका सिलेबस है इसमें आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके लिए नई हैं, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो ऑलरेडी आप जो है वो पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी की ना किसी जो है वो सब्जेक्ट में आपने उसको जो है वो जरूर जो है वो पढ़ा होगा और आपको उसका बेसिक आइडिया जो है वो होगा और डेफिनेटली आपको पढ़ के मजा भी आएगा। अच्छा, एक चीज ये है कि आपने बहुत सारी चीजों को ना यू नो दिस थिंग, लेकिन आपको उनकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह ये सारी चीजें जो है वो पता नहीं होती, तो हम उन पे भी जो है बात करेंगे, व्हाट दोस थिंग कॉल। अच्छा, इसके अलावा पहला पार्ट तो आप सोशलाइजेशन का रोल पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन किस तरह से हमारे लाइफ में जो है वो इफेक्ट करती है। फिर आप दूसरी चीज जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी सोशल कंट्रोल, कन्फर्मिटी एंड रेजिस्टेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज का वर्ड आपने सुना होगा, अगर आपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज का वर्ड नहीं सुना तो डेफिनेटली हर सोसाइटी में एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं, सही और गलत का जो है वो डिफरेंस होता है और कुछ लोग उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते रहते हैं और कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते। इस तरह से एक छोटी सी चीज है कि आपको सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, आपको सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ लोग डेफिनेटली तोड़ भी देते हैं और जो है कुछ लोग उसका जो है ख्याल करते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली नॉर्म क्या है कि आप नहीं तोड़ें, ठीक है, नॉर्म आपके पास अनरिटन रूल्स होते हैं और कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप उसको लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, आप उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन करते थे कि अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको फाइन लगेगा, आपको जो है वो फाइन लगेगा। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो किसी चीज को कहा जाता है कि लोगों को आप जो है वो सोशल कंट्रोल करवा रहे हैं, ठीक है, एग्रीइंग और फोर्सिंग पीपल टू एक्सेप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, और डेफिनेटली लोग उसको रिजिस्ट भी करते हैं, कुछ लोग उसको मानते भी हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और फिर एक है सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज, और सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज की देखें, एक तो आपकी तीन बड़ी आइडेंटिटीज होती हैं, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, और आप सोशियोलॉजी में इन तीन आइडेंटिटीज को हर जगह पढ़ेंगे, चाहे आप एएस में पढ़ें, आप A2 में पढ़ें, और किसी भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। जिस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे अगर नोट करें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो एक जेंडर आइडेंटिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि आप मेल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आर वी फॉलोइंग दोज आइडेंटिटीज और नॉट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एक और हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो है जो है सोशल क्लास आइडेंटिटी। व्हाट इज दैट सोशल क्लास आइडेंटिटी? सोशल क्लास आइडेंटिटी आपके पास ये होती है कि आप वर्किंग क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं। अगर मैं सिंपल इसको इजी करके बता दूं कि आप अमीर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, गरीब की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये, और आपने सुना होगा एक वर्ड तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास प्रॉब्लम में है, मिडिल क्लास का ये इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली जो है वो सोशल क्लास आइडेंटिटी होती है, एंड पीपल से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, क्योंकि अमीरों का एक स्टाइल डिफरेंट होता है, गरीबों का एक स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। और इवन अगर हम जेंडर की एक्सपेक्टेशंस भी देखें तो जेंडर की एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। यू एक्सपेक्ट मेल टू डू डिफरेंट टास्क और आप फीमेल से भी जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट है। और थर्ड आइडेंटिटी जो है वो आपकी एथनिक आइडेंटिटी होती है। एथनिक आइडेंटिटी इज लाइक के आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, ये आपकी एथनिक आइडेंटिटीज हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हम जो सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, हम यूके की सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम कैम्ब्रिज बोर्ड को पढ़ते हैं, और आपने अगर अपनी बुक्स देखी होंगी तो उसमें बाहर की एग्जांपल्स को कोट किया होता है। तो यू हैव टू मेक थिंग वेरी क्लियर हेयर कि यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे तो हम यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो यूके में माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यूके एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे लोग काम ढूंढने जाते हैं और पूरी दुनिया से लोग जो है वो यूके जो है वो आते हैं। डेफिनेटली एक फ्लरिश इकोनॉमी है, तो वहां पे और बहुत सारे पाकिस्तानी दे गो टू यूके बाय द वे,
तो ये इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ यूके के इस पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. ऑल्दो वी आर गोइंग टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ द अदर कंट्रीज, लाइक हम एशियंस एशियंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट अफ्रीकन से, अफ्रीकन को कंपेयर करेंगे अमेरिकन से, वो तो हम करेंगे, क्रॉस कल्चरल कंपेरिजन इसको बोला जाता है. लेकिन हम जो है ज्यादातर फोकस हमारा यूके का होगा कि यूके में ऐसा होता है, यूके में ऐसा होता है. तो पॉसिबली आप ये भी सोच सकते हैं कि यार अगर यूके में ऐसा होता है कि वाई वी आर स्टडिंग इट, हम क्यों उसको जो है वो पढ़ रहे हैं. जी आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कैम्ब्रिज बोर्ड जो है वो फॉलो करते हैं. जैसे कि अगर आप यूके में रहते, आप यूके सिटीजन होते, तो आपको ये पढ़ाया जाता तो आपको लगता कि आप अपने मुल्क के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं. द सेम केस यू हैव विद दिस पाकिस्तान स्टडीज थिंग, ठीक है, जब आप एक पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चलता है कि जी मेरा मुल्क के बारे में बात हो रही है, मेरे कल्चर के बारे में बात हो रही है, यू फील गुड अबाउट इट, ठीक है, और आपको इतना ज्यादा उसमें जो है प्रॉब्लम भी नहीं होता. तो वहां पे ये यूके में लोग जो पढ़ते होंगे उनके लिए कॉमन उनकी डे टू डे चीज होती होगी और उनकी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता होगा. अच्छा, अब अगर मैं दूसरे एंगल पे आपसे बात करता हूँ, तो वी हैव दिस मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च है, और मेथड ऑफ रिसर्च इज एंटायरली डिफरेंट, मेथड ऑफ रिसर्च इज एंटायरली डिफरेंट. और एक चीज बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स के नोट्स भी अलग अलग हैं. सोशलाइजेशन के अलग नोट्स हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च के अलग नोट्स हैं. ऑल्दो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पेपर वन, दोनों एक ही पेपर बनाते हैं, लेकिन इनके नोट्स जो हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है. तो मैं इसको बेसिकली मैं सिलेबस को इसी तरीके से कहता हूं कि पेपर वन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हम एक पार्ट अगर कवर करते हैं तो हमारा एक पार्ट जो है रह जाता है. अच्छा, मेथड ऑफ रिसर्च, कल भी मैं कह रहा था कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है. मेथड ऑफ रिसर्च इज वेरी सिंपल, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, बिजनेस स्टडीज हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, और साइंस हो, हर जगह रिसर्च मेथड जो है वो सेम है, सेम है. आपने डेफिनेटली अगर आप साइंस पढ़ी तो आप लैब में जाते थे, तो डेफिनेटली लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे. तो ये सारा रिसर्च मेथड है. और आपको कल भी मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि क्वांटिटेटिव डाटा जो नंबर्स और फिगर्स में होता है, क्वालिटेटिव डाटा जो कि डिस्क्रिप्शन में होता है, फिर इस तरीके से इंटरव्यू आपने सुना होगा, क्वेश्चनर्स आपने सुना होगा, ऑब्जर्वेशन सुना होगा, केस स्टडी का वर्ड वेरी कॉमन वर्ड, एक्सपेरिमेंट्स का वर्ड आपने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सुना होगा. तो ये सारे कौन से मेथड्स हैं? ये रिसर्च मेथड्स हैं. तो रिसर्च मेथड्स बेसिकली जो है वो आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. हाउएवर दोज हु आर गोइंग विद द साइकोलॉजी एज वेल, वो वहां पे भी ये रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे. साइकोलॉजी में थोड़ा सा टू द पॉइंट है और कुछ जो है वो ऐसी टर्म्स है जो हमारे पास यूज नहीं होंगी, और हमारे पास भी कुछ ऐसी टर्म्स है जो वहां पे यूज नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे लेंथ पे होगा डेफिनेटली. सोशियोलॉजी एक लेंथ पे सब्जेक्ट है. अगर आप बात करते हैं ना, मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो साइकोलॉजी टू द पॉइंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है. सोशियोलॉजी लेंदी है बट टेक्निकल नहीं है, ठीक है. आप बहुत सारी जैसी चीजें ऐसी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे पता है, सिर्फ सर ने टर्म्स यूज कर दी. जैसे कि मैं अक्सर एक कहता हूँ, कोहैबिटेशन का एक टर्म यूज करता हूँ, ठीक है. अब आप बोले यार ये कोहैबिटेशन क्या है? कोहैबिटेशन इज लिविंग टूगेदर विदाउट मैरिज, ठीक है. आप एज अ कपल रह रहे हैं, यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर अरेंजमेंट है, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई हुई, ठीक है. हमारे यहाँ तो उसको लिविंग इन सिन कहा जाता है, ठीक है. तो अब ये कोहैबिटेशन आपको लिव इन रिलेशनशिप के नाम से आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, मूवीज वगैरह में आपको आइडिया भी होगा, लेकिन जो टर्म है कोहैबिटेशन, दैट इज द न्यू फॉर यू. तो यही डिफरेंस हमारे पास जो है आ जाता है. और व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, ये थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है. इसमें क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंदी भी आते हैं आपको उसको, लेकिन आप उसको अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आपको आपकी अंग्रेजी जो है अच्छी है, वो थोड़ा सा इंग्लिश का भी इसमें होता है कि आपका जो है इंग्लिश कैसी है. बेसिकली मैं अक्सर वो कहता रहता हूँ ना बच्चों को कि ऑल्दो वी स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, मेनी ऑफ द पीपल दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग उनका एक्सप्रेशन जो है वो लो हो जाता है. शायद हमारे साथ स्कूल में जो है वो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता राइटिंग स्किल्स पे. तो ये है. और याद रखें, अगर आपके राइटिंग स्किल्स हैं अच्छे हैं तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. और डेफिनेटली अब आप अपने राइटिंग स्किल्स पे तो काम नहीं करेंगे ना, यू डोंट हैव दैट मच टाइम. तो अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है तो आप लिख लिख के याद करें, चीजों को लर्निंग करें, थोड़ा से जो है वो नोट करें, दिमाग में बिठाएं,
ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, आपको तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करें और वो तीन पॉइंट्स को तीन पैराग्राफ में बड़े जबरदस्त तरीके से लिख लेता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है, आपकी वीक है, तो आप जो है वो चीजों को पढ़ें, याद करें, फिर लिखें, पैराग्राफिंग करें। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें जो है ना आसान कर दी है। आसान का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिख दिए हैं, मैंने चीजें कंपाइल कर दी हैं, बहुत कुछ मैंने आपको करके दे दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसको मेहनत करनी है, उस पर आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैंने बड़ा सिस्टमेटिकली सब चीजों को जो है वो डिजाइन किया हुआ है, यू विल फाइंड इट, ठीक है। तो आप जो है वो पता चलेगा जब क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी कॉलेज में, जो है वो एक पूरा बैच जब हमारा शुरू होगा, तो ये चीजें आपको जो है अभी तो इंट्रोडक्टरी वीक के एडमिशन आ रहे हैं। अगर आपके भी कोई दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो अभी एडमिशन के लिए कंफ्यूज है, तो आई टेल देम कि इट्स राइट टाइम टू गेट द एडमिशन, ठीक है। और आपको अगर वो सब्जेक्ट के बारे में कोई पूछते हैं कि जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, क्या है, तो आपको भी इतनी नो हाउ हुई होगी आज की और कल की क्लास करने के बाद कि आप उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कल मैंने इंट्रोडक्टरी बात की थी जो है वो सॉरी मैं हेलो हाय कर रहा था, तो इतना ज्यादा अगर आपने कल की क्लास मिस की थी, तो इट्स जनरल डिस्कशन क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, मैंने क्लास में आपको वेलकम किया था, ठीक है। और फिर मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा बातें शातें भी कर ली थी। तो फिर इसके अलावा जो है वो मैंने आपके जिन्होंने क्लास नहीं ली, तो मैंने उनको वेलकम कर दिया था वहां पे, कहां पे वेलकम कर दिया था जी, ग्रुप में वेलकम कर दिया था। अच्छा एक चीज आप सुने, क्योंकि AS की क्लास है ना थ्रू दिस लिंक है, ठीक है, इस लिंक से, तो मैं जो जब वो स्टार्ट करते हैं तो फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये एक चीज को थोड़ा सा जो है वो जो है पहले मैंने जो क्लासेस ली है जो है डेफिनेटली वो अपने लिंक से लेता, तो वो मैं अपने तरीके से हैंडल करता, तो थोड़ा सा कॉपरेट जो है वो क्या करें और कोशिश करें कि टाइमली जो है वो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा तो ये हमारे पास मेथड ऑफ रिसर्च में आप टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे, इट्स लाइक क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इस पर हम बात करेंगे। फिर तो उसके बाद हम जो है रिसर्च का प्रोसीजर्स क्या होता है, रिसर्च में इश्यूज क्या होते हैं, और मेथड्स ऑफ रिसर्च पे पूरा हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड है, जैसे केस स्टडी है और आप उसको पूरा देखेंगे, आप ऑब्जर्वेशन को पूरा देखेंगे। अच्छा अब एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो है मेथड ऑफ रिसर्च बहुत आसान है। रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इसका ये है कि इसमें आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस तरीके से चीजों को याद करना होता है, ठीक है। जब आप इस तरह से याद करते हैं ना कि एडवांटेज है तो ईजी हो जाता है, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है तो कोई चीज, तो कॉस्ट सेविंग है तो वो प्लस पॉइंट हो गया, टाइम कंज्यूमिंग नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो लर्निंग जो है वो आसान होती है, बच्चों को ये आसान लगता है। तो हम इसी तरीके से जो है वो क्या करेंगे, हम इसी तरीके से चीजों को जो है वो लेके चलेंगे, और एक पार्ट सोशलाइजेशन का पढ़ेंगे और फिर एक पार्ट जो है वो मेथड्स ऑफ रिसर्च का पढ़ेंगे। अच्छा मैं आप सभी फर्दर जो है वो डिस्कस करता हूँ इस चीज को। जस्ट अ मिनट, ठीक है। आयशा ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमदा इज हेयर एंड सीमल रिजवी इज हेयर, ठीक है जी, ओके। सो अब मैं अगर आपसे जो है वो बात करूं दूसरी चीज पे, द नेक्स्ट थिंग इज द फैमिली, ठीक है। आपके पास जो है वो फैमिली है, सही है। अच्छा फैमिली आपका पेपर टू है। अब फैमिली में कोई इस तरह से कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं है या दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। इस तरह से मैंने आपको कहा ना कि पेपर वन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोशलाइजेशन आइडेंटिटी एंड अदर इज द मेथड्स ऑफ रिसर्च। फैमिली एक स्ट्रेट अवे एक चैप्टर है, उसमें सारी बातें जो है वो आप फैमिली के बारे में करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू इस तरीके से दे देता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट द फैमिली, आप फैमिली की जब आप बात करेंगे तो आप डेफिनेटली पढ़ेंगे जो है कि हम जो चीजें पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, आप टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ेंगे, आप जो है डेफिनेटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि फेमिनिस्ट क्या कहती हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कल भी मैंने पूछा था कि आपको फेमिनिस्ट का कुछ आइडिया है, तो आप उस चीज को वहां से कवर करेंगे, फेमिनिस्ट क्या कहती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। मैं आपको आगे जाके बता भी दूंगा कि पर्सपेक्टिव प्योरली हमारे पास कौन कौन से हैं। फिर आप पढ़ेंगे जी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बात करेंगे कि इक्वालिटी है नहीं है,
वर्किंग वुमेन्स पे बात करेंगे, फिर उसके बाद चिल्ड्रन पे बात करेंगे कि उनका रोल इन द फैमिली क्या है, इसके अलावा हम चाइल्डहुड पे पूरा एक टॉपिक कवर करते हैं, ओल्ड एज पे कवर करते हैं, मॉडर्न फैमिलीज और ट्रेडिशनल फैमिलीज का जो है हम कंपेयर करते हैं। फिर एक हमारा बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है डिवोर्स के बारे में, हम बेसिकली पढ़ते हैं कि डिवोर्स का क्या इम्पैक्ट है और डिवोर्स के क्या रीजंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा डिवोर्स देते हैं, कौन से ग्रुप जो है वो कम डिवोर्स देते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और फिर डार्क साइड ऑफ द फैमिली पे भी हम बात करेंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है और चाइल्ड अब्यूज है, ये चीजें। अच्छा, तो अब मैं एक और चीज बड़ा फ्रैंकली आपको बताऊं कि जो है फैमिली, व्हेन यू लिसन टू द फैमिली आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो अब पहले फैमिली जो है वो पेपर वन होता था और अब फैमिली जो है वो पेपर टू होता है। तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, क्योंकि बच्चा एक नया होता है और उसको थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगता है, अपने पेस डेवलप करने में, एक्सेल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वी गो विद द फैमिली, ठीक है। हम लोग फैमिली से जो है वो स्टार्ट करते हैं, फैमिली से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप हो। और आप जब देखें, आप 3-4 महीने मेरे साथ स्पेंड करेंगे, जब आप मिड टर्म देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें हैं, क्या हैं, क्वेश्चंस असाइनमेंट्स वगैरह आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली टेलिंग यू दिस थिंग कि वी स्टार्ट विद द फैमिली, ठीक है। और क्योंकि फैमिली इंटरेस्टिंग भी है एज कंपेयर टू द सोशलाइजेशन एंड मैथड्स ऑफ रिसर्च। मैं शायद कल भी आपको बता रहा था कि मैथड्स ऑफ रिसर्च जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का है कि जी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लेकिन फैमिली में ऐसा है कि आपको सीखने का, डिबेट करने का, अपने व्यूज को, आइडियाज को बताने का जो है वो मौका मिलता है। और बहुत अच्छी लर्निंग है बाय द वे, बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं भी होंगी तो वो आप फैमिली के थ्रू जो है वो पिक कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव, और इसको आपको जो है वो अच्छा लगेगा, पढ़ के समझ आएंगी चीजें। ये आपके पास फैमिली है, उसमें उसको लिखा हुआ भी है कि फैमिली इस तरह से जो है। तो पेपर वन और पेपर टू के कंटेंट पे मैंने आपसे आज बात की है, पेपर वन और पेपर टू के कंटेंट पे बात की है। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चन था मुझे चैट पे जो है वो बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज जरा नोट कीजिएगा कि यही चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट बेसिकली आर द कंटेंट ऑफ द सोशियोलॉजी, तो हम जो है यही चीज सारी चीजें जो है वो पढ़ेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि क्या है। मैं सिर्फ आपको कंटेंट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह आपसे पूछें कि सोशियोलॉजी में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। और बड़ा ब्रीफली मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो ये पेपर थ्री जो है ना, ये एजुकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर थ्री आप ए टू में पढ़ेंगे, पेपर थ्री आप वहां पे पढ़ेंगे ए टू में। और पेपर फोर जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन मीडिया रिलीजन है, ग्लोबलाइजेशन मीडिया रिलीजन है, ठीक है। तो उसमें चॉइस होती है कि आपने थ्री में से टू को सिलेक्ट करना है, तो आई गो फॉर मीडिया एंड रिलीजन, उसका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी एजुकेशन, मीडिया एंड रिलीजन इन ए टू, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एएस, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि हम एएस में फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज आवर पेपर टू द फैमिली। और फिर उसके बाद पेपर वन में हम सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा जो है सिलेबस है। अच्छा, दो तीन चीजें यहाँ पे बता दूं, एक बुक की पिक्चर मैंने आपको सेंड की थी, ये आपकी कोर्स बुक है, आप इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल किस्म की बुक है। मेरे नोट्स में काफी चीजें भी उसी बुक से मैंने ली हुई है, ठीक है। और देखें, बुक इज अ वेरी बेस्ट सोर्स, ठीक है। मुझसे जो है वो काफी जो है वो लोग हैं वो बुक पे कहते हैं कि जी जो है वो बुक पढ़े नहीं पढ़े, नोट्स आर इनफ, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ नथिंग कैन रिप्लेस द बुक, बाय द वे। आप किसी भी टीचर्स के नोट ले लें, कोई भी नोट्स ले लें, ठीक है, आप जो है बुक उससे रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑल दो ठीक है, बच्चे नोट से ही पढ़ के भी अच्छे स्कोर जो है वो ले आते हैं, नोट से ही पढ़ के जो है अपना बेस्ट जो है वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन मैं कभी भी आप मुझसे ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि मैं बोलूं कि नहीं जी बुक इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, बुक से आप पढ़ें, इसको जो है वो चीजों करें। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये आपकी कोर्स बुक है जो मैंने आपको रिकमेंड करी, एक और कोर्स बुक भी इसमें है, ठीक है, और मैंने वो लाइब्रेरी में भी कहा था कि ये रखवा दें, आई होप उन्होंने जो है उसको रखवा दिया होगा, हैरल अम्बस की जो है वो बुक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन केस अगर आप जो है वो उसको खरीदना चाहें तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पीपल डू दिस थिंग, दे हैव टू रेफरेंस बुक्स, ठीक है, तो ये आपको जो है वो आप अगर कोई चाहे तो मैं उसको जो है उसकी पिक्चर भी जो है वो भेज दूंगा, हैरल अम्बस की जो बुक है वो आप वो जो है उसको भी यूज कर सकते हो, उसका नया जो है वो एडिशन जो है वो आपके पास आया है ना, तो आप उसको भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, तो ये दिस इज द थिंग। लेकिन डेफिनेटली आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जितना आप अच्छा करेंगे आपकी चीजें जो है वो आसान जो है वो हो जाएंगी, और आई हेल्प यू इन एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा और ये चीज है कि असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, यस मैं अभी तो बिल्कुल आपसे असाइनमेंट और क्विजेस पे जो है वो ज्यादा वो नहीं कह रहा, लेकिन जैसे ही हमारे पास कॉलेज जो है वो ओपन होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आफ्टर द 10th मुहर्रम, तो हम हल्का फुल्का असाइनमेंट्स वगैरह भी स्टार्ट लेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि वेल्स कॉलेज जो है ये बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है असाइनमेंट्स और क्विजेस पे, और आपका जो मिड टर्म का जो रिजल्ट बनता है, मिड टर्म का जो आपका रिजल्ट बनता है वो सारा इसको मिला के ही बनता है, ठीक है, मतलब क्विजेस, असाइनमेंट्स और मिड टर्म जो है उसका रिजल्ट कंपाइल होता है, मिलता है, और उसका एक एवरेज निकल के फिर आपका रिजल्ट बनता है, एंड आफ्टर द मिड टर्म और फिर हमारी जो है वो पीटीएम भी होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है जो होती है, और फिर आपका रिजल्ट उसमें डिस्कस किया जाता है। तो मेक श्योर दिस थिंग कि यू टेक द क्विजेस एंड असाइनमेंट्स वेरी सीरियसली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्विजेस और असाइनमेंट को सीरियस नहीं लेते, एंड अल्टीमेटली फिर जो है क्या होता है कि जब उनका रिजल्ट आता है, जब उनका रिजल्ट आता है तो मिड टर्म में तो उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, बट ड्यू टू दिस थिंग उनको प्रॉब्लम हो जाता है, और आपने देखा होगा कि जब एक्सपेक्टेड ग्रेड्स का एक साल गुजरा है जो आपने वो देखा होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसमें यही प्रॉब्लम थी कि जिन बच्चों के मिड टर्म के रिजल्ट अच्छे नहीं थे तो दे आर गोइंग टू सफर ऑन दैट। तो अब अभी भी कोविड की सिचुएशन कोई इतनी खास जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो आपको इस तरह से चलना है कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, अप एंड डाउन भी होता है, तो आपको आपके पास एटलीस्ट क्लास परफॉर्मेंस इस तरीके से हो, और डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट थिंग। और एक चीज याद रखिएगा, इफ यू आर डूइंग द पेपर गुड और आप अच्छा जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स इन दैट, ठीक है, लेकिन मैं कोई ऐसे फेक मार्क्स नहीं देता, जैसे आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, ठीक है, और आपको मैं उसमें 10 out of 10 दे दूं, ठीक है, although we appreciate the submission of the assignment, ठीक है, हम leniency से उसको चेक करते हैं, ठीक है, लेकिन definitely I cannot do anything, I can give you just a day or two, सही है, और फिर आपके थोड़े से लेट के मार्क्स के डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन yes, quizzes ये मैनेजमेंट साइट से होते हैं जी, मैनेजमेंट साइट से होते हैं quizzes, और वो खुद आपको देंगे, आप करेंगे तो उनके मार्क्स उसी तरीके से एंटर हो जाते हैं, सिर्फ बता आपको कोई डरा नहीं रहा, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि क्विजेस का वेटेज होता है, असाइनमेंट का वेटेज होता है, मैं आपको वीकली बताता रहूंगा ये असाइनमेंट्स हैं, ये क्विजेस हैं, आप प्रॉपर तरीके से सबमिट करवाते रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें टू बी वेरी फ्रैंक, एक अच्छी एक आपको बात बता देता हूँ, ए लेवल्स जो है ना इट्स डिफिकल्ट कंपेयर टू द ओ लेवल्स, दैट्स वाई वी हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स हियर, ठीक है, आपके पास जो है वो 3 सब्जेक्ट्स हैं और अप्रोक्स जो है वो आपके पास जो है वो 8 months जो है वो उसको प्रिपेयर करने के लिए हैं, तो आप अपना स्टडी टाइम डिजाइन करें, ठीक है, आप स्टडी आवर्स डिजाइन करें, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, जैसे कि आप अगर सुबह बिजनेस पढ़ते हैं तो रात को आप सोशियोलॉजी पढ़ें या वट एवर जो सब्जेक्ट्स आर, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ें और फिर उसका अपना ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते रहें, मैक्सिमम जैसे भी आप स्टार्ट ले रहे हैं तो 1 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ें, फिर 1 से 2 इस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें, ऑर्गेनाइज होके चलें, टीचर की बात माने, ठीक है, क्योंकि देखें मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो इनएक्सपीरियंस्ड होगा या वो सब्जेक्ट्स को जानता नहीं होगा, ठीक है, आपको जो भी पढ़ा रहे हैं तो उनके कई कई सालों के एक्सपीरियंस है, और वेल्स कॉलेज उन्हीं लोगों को हायर करता है जो कि अपने फील्ड में अपने सब्जेक्ट में जो है वो परफेक्ट होते हैं, तो यही चीज है कि आपको बेस्ट क्वालिटी जब प्रोवाइड की जा रही है तो
हमारे या किसी और टीचर के बेस्ट होने से कुछ नहीं होता, आपके एफर्ट से सब कुछ होता है. यू आर द वन हु प्रोड्यूस रिजल्ट. आपने रिजल्ट जो है, हमारे बच्चों को तो ए भी आते हैं, बी भी आते हैं, सी भी आते हैं, यू भी आते हैं, जो एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो आता है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो मुझे बता दीजिएगा, सर ये चीज मेरी रह गई थी, ये चीज रह गई थी. अच्छा, तो टाइमिंग का जो होता है ना, जैसे क्लास कैजुअल वगैरह, वो मैनेजमेंट आपको भेजती है. ठीक है, क्लास कैजुअल वगैरह जो होता है ना वो, के टेस्ट कब है, क्विज कब है, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कब से ये जो है, वो सारा एडमिन और मैनेजमेंट का जो है ना वो आपको भेजती है चीजों को. सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी चीज है तो यू कैन आस्क मी के सर ये चीज है, ये वाला चीज मुझे समझ नहीं आया, ये आइडिया मुझे समझ नहीं आया, ये बातें मुझे समझ नहीं आई. तो अब मैंने अपने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जरा डिटेल में बता दिया है कि हम पेपर वन और पेपर टू में क्या पढ़ेंगे. ठीक है, और डेफिनेटली जो है एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कल मैं आपसे दोनों के जो है वो स्पेसिमिन पेपर डिस्कस करूंगा. तो इसी तरीके से हम सिस्टमैटिकली चलते रहेंगे, एंड इफ वी हैव द टाइम तो फिर मैं आपसे जो है वो बात करूंगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी. एक मैं इंट्रोडक्टरी एक वो देता हूँ, ऑल्दो कि वो एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, लेकिन एक मैं छोटा सा सेशन कंडक्ट करता हूँ. और कुछ लोग अक्सर मुझसे पूछे रहते हैं कि हमारे पास इसके लिए फील्ड कौन सी हम ले सकते हैं और आगे क्या हेल्प होगा, तो वो भी मैं आपको साथ जो है वो उसको शेयर करूंगा. और फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है वो चीजों को स्टार्ट कर देंगे. आई एम सेंडिंग दिस सिलेबस. ठीक है, मैं ये सिलेबस जो है वो आपको भेज रहा हूँ. ठीक है, ये सिलेबस मैं आपको जो है वो भेज रहा हूँ ग्रुप पे. आप इस सिलेबस को गो थ्रू करें. ग्रुप पे डेफिनेटली जो है मैं सिर्फ कंटेंट भेजता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है ना वी डिस्कस ऑन द ग्रुप. ठीक है, तो और भी अगर कोई छोटी मोटी बात हो, यू हैव माय नंबर, आपके पास सबके नंबर हो, तो आप किसी से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट एवर यू लाइक टू टॉक ऑन दैट ना. तो ये चीज है, तो ये सिलेबस मैं आपको भेजता हूँ, आप सिलेबस को गो थ्रू करें. मेक योर फोल्डर, अपने पास कोई फोल्डर, अगर आप फोन से क्लास लेते हैं तो फोन से नहीं, लैपटॉप से लेते हैं, लैपटॉप से आप एक फोल्डर बना लें अपना. फोल्डर्स में चीजों को जो है वो सेव करते रहें, और ताकि आपके पास एक कंटेंट का जो है वो सारा जो है वो चीजें इकट्ठी हो जाएं. क्योंकि डेफिनेटली के व्हाट्सएप से फिर इधर उधर हो जाती हैं चीजें. आप अपने फोल्डर्स बनाएं, लैपटॉप पर फोल्डर बनाएं, यूएसबी व्हाटएवर, आप चीजों को सेव करते रहें. ठीक है, तो यही चीज है कि आपके पास सारी चीजें जो है. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर है. और अगर कोई आपको कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अच्छा जी, जी कल की क्लास जो थी, इट्स लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास. मैं बच्चों से उनके चीजें वीजें पूछ रहा था सब्जेक्ट, और वही बातें मैंने आपसे जो है वो कंडक्ट कर ली हैं, वही बातें मैंने आपसे आज कर ली हैं. ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से, वो सारी बातें आज भी रिपीट हो गई हैं. बस आज मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग आपके साथ ये कर दी है कि इस पर बात करें. ठीक है जी, तो ये है, दैट्स इट फॉर टुडे. और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बोलता हूँ.